Hello guys, welcome back to our channel Grow Your Talent. My name is Rachel Morris. और first of all, I would like to apologize. हमने काफ़ी कोई time से video upload नहीं की है but this time we will be regular. So चलिए आज हम पढ़ेंगे evolution के बारे में. So guys, follow me. तो आज हम पढ़ेंगे evolution के बारे में. The origin of life. Life कहाँ से form हुई, कैसे originate हुई life, ये हम सब कुछ इसमें पढ़ेंगे. First term we will go across is abiogenesis. Life from non-living material, decaying organic material. कोई भी life form जो कि originate हो रही है non-living material से, कोई भी decaying matter पड़ा हुआ है उससे ही हमारी new life form हो रही है, उसको हम कहते हैं abiogenesis या फिर theory of spontaneous generation. मतलब स्पॉन्टेनियसली कुछ भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जनरेट हो जा रहा है. फॉर एग्जांपल यहाँ मीट पड़ा हुआ है हमारे पास और उसमें ही मैगेट्स अपने आप आ जा रहे हैं स्पॉन्टेनियसली, उसको हम कहेंगे थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन. बट ये थ्योरी डिसप्रूव की गई फ्रांसिस्को रेडी ने. उसने क्या किया, दो जार्स लिए, दोनों जार में उसने मीट डाला, अ पीस ऑफ मीट. एक जार को उसने कर दिया कवर, दूसरे जार वॉज लेफ्ट अनकवर्ड, मतलब लेफ्ट ओपन. पहले जार में उसने देखा जब वो कवर था तो कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या कोई भी अदर ऑर्गेनिज्म उस पर नहीं आ पा रहा था, मतलब कुछ भी वहाँ पर सीन नहीं था. दूसरे में उसने देखा कि यहाँ पर कुछ ग्रोथ है. यहाँ ग्रोथ कैसे हुई, यहाँ पर जबकि ये खुला पाथ है तो यहाँ पर कोई माइक्रो जो कोई अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स है वो आया होगा. तो उसने देखा कि यहाँ पर आई फ्लाइज, फ्लाइज के साथ आए हमारे दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आए होंगे उसके साथ. फ्लाइज जब इस मटेरियल पर जो कि है मीट इस पर बैठेगी तो इसने अपने एग्स ले किए इस मीट पर, उस एग्स से बने हमारे मैगेट्स, जिससे ये प्रूव हुआ कि वन लाइफ इज फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर प्री एग्जिस्टिंग लाइफ. लाइफ खाली मीट से या खाली डीकिंग ऑर्गेनिक मैटर से ही फॉर्म नहीं होती है बल्कि होती है प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से, एक दूसरी लाइफ से ही दूसरी लाइफ फॉर्म होती है. अब हम पढ़ेंगे स्पेलंजानी के एक्सपेरिमेंट के बारे में. इसने क्या किया, स्पेलंजानी ने दो फ्लास्क लिए, दोनों फ्लास्क में स्टराइल ब्रॉथ डाला. ठीक है, पहले वाले ब्रॉथ को इसने ओपन रखा, दिस फ्लास्क वॉज लेफ्ट ओपन. सेकेंड ब्रॉथ के साथ फ्लास्क को सील कर दिया, ये फ्लास्क सील कर दिया और ये वाला फ्लास्क इसने छोड़ा. टू कंडीशंस में इसने फ्लास्क को रखा. पहले फ्लास्क के साथ देखा इसने कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ इस पर पाई गई. दूसरे फ्लास्क में कोई भी ग्रोथ नहीं थी, क्यों, क्योंकि ये सील्ड था. फिर इसने इसी फ्लास्क को दोबारा ओपन किया, जब इसने फ्लास्क को ओपन किया तो इसने देखा कि यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है. तो इसने क्या कंक्लूड किया इस एक्सपेरिमेंट से कि जो हमारी न्यू लिविंग फॉर्म है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म जहाँ से हमारे आ रहे हैं वो ब्रॉथ नहीं है बल्कि वो एयर है जो ब्रॉथ के कॉन्टैक्ट में आ रही है. जो एयर एंटर कर पा रही है ब्रॉथ के वो यहाँ पर लाइफ फॉर्म कर रही है, वो इसने इस एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड किया. अब हम बात करते हैं लुईस पाश्चर के एक्सपेरिमेंट के बारे में. लुईस पाश्चर ने डिसअप्रूव कर दी थी स्पेलंजानी की एक्सपेरिमेंट. स्पेलंजानी ने कहा था जो लाइफ हमारी न्यू फॉर्म हो रही है वो किससे हो रही है, जो एयर, एयर जो ब्रॉथ से कॉन्टैक्ट में आ पा रहा था वो लाइफ फॉर्म कर रहा है, उस एयर की वजह से एक नई लाइफ फॉर्म हो रही है, ये स्पेलंजानी ने कहा था. इस एक्सपेरिमेंट, स्पेलंजानी के एक्सपेरिमेंट को लुईस पाश्चर ने डिसअप्रूव किया. कैसे किया ये देखते हैं. उसने एक फ्लास्क लिया, उसमें ब्रॉथ डाला और इस फ्लास्क को जो इसकी जो नेक थी वो स्ट्रेट थी. इस फ्लास्क में एयर भी आ सकता है एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं इस फ्लास्क के अंदर, जो कि क्योंकि इसकी जो नेक है वो स्ट्रेट है. दूसरे फ्लास्क लिया इसने, इसकी नेक बनाई एस शेप्ड, ऐसी ऐसे शेप की बनाई. इस फ्लास्क में केवल और केवल एयर आ सकती है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आ सकते.
इस फ्लास्क में जिसमें एयर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दोनों आ सकते थे, उसमें देखा कि वो ब्रॉथ कंटेमिनेट हो गया, मतलब उस पर ग्रोथ पाई गई। इस फ्लास्क में जिसमें केवल एयर आ सकती है, नो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री नहीं हो सकती है, उसने इसमें देखा दैट देयर वॉज नो कंटेमिनेशन, देयर वॉज नो ग्रोथ फाउंड ऑन दिस ब्रॉथ। इस ब्रॉथ पे कंटेमिनेशन यानी कि ग्रोथ पाई गई और उस पर कुछ भी पाया नहीं गया। इससे ये प्रूव हुआ कि जो लाइफ फॉर्म हो रही है वो एक प्री एग्जिस्टिंग लाइफ यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फॉर्म हो रही है, ना कि खाली एयर से। लुइस पैस्चर के इस एक्सपेरिमेंट के बाद, ये स्वान नेक एक्सपेरिमेंट के बाद, ये प्रूव हो गया कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जब फॉर्म हो रहा है तो कोई भी नॉन लिविंग मटेरियल से या डीकेइंग मटेरियल से फॉर्म नहीं होता, होता है तो एक प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, पहले जो एग्जिस्ट ऑर्गेनिज्म कर रहा है उसी से नया ऑर्गेनिज्म बनता है, उसको हम कहते हैं बायोजेनेसिस, इसको हम कहते हैं बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस होता है जो हमने पहले पढ़ा था, द ओरिजिन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल, जो कि प्रूव हो गया गलत है। लुइस पैश्चर ने ये एक्सपेरिमेंट दिया और प्रूव किया कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है एक प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से ही बनता है और उसे हम कहते हैं बायोजेनेसिस। अब इस एक्सपेरिमेंट के बाद बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे हो गए कि इन्हें पता तो चल गया कि लाइफ कैसे फॉर्म हो रही है, एक प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से फॉर्म हो रही है, पर प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म भी तो फॉर्म हुआ ही है, तो वो हम इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो जस्ट हिट द लाइक बटन, एंड आगे इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ग्रो योर टैलेंट को सब्सक्राइब करें एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन फॉर फर्दर नोटिफिकेशंस। थैंक यू।